अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम के आवास से हुई चोरी का खुलासा स्वाट टीम व पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एसडीएम के निजी कार चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 47.30 लाख रुपए बरामद किए हैं। चोरी का खुलासा होने से एसडीएम ब्रिज किशोर दुबे खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। कायमगंज में एक माह पहले एसडीएम रहे श्री दुबे इतनी बड़ी रकम कहां से लाए, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि कायमगंज में एसडीएम के पद पर कार्यरत रहे ब्रिज किशोर दुबे इस समय जिले से अतिरिक्त एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। वह शहर कोतवाली के पांचाल घाट स्थित नारायण आश्रम में निजी आवास में रह रहे हैं। दो दिन पहले उनके कमरे का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट शहर कोतवाली में दर्ज कराई गई। एसपी ने बताया कि एसडीएम के यहां से हुई चोरी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप दीक्षित और शहर कोतवाल राजेश पाठक ने एसडीएम के निजी चालक आशीष अग्निहोत्री निवासी बगौ जिला हाथरस को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से 47.30 लाख रुपया बरामद कर लिया। सभी नोट 2,500 के बरामद हुए हैं। घटना वाले दिन जब पत्रकारों ने एसडीएम दुबे से कितने की चोरी हुई बाकी जानकारी चाही तो वह कन्नी काट गई। पुलिस कप्तान मिश्रा ने बताया कि इतनी बड़ी रकम बरामद होने की सूचना शासन डीजीपी व आयकर विभाग को दे दी गई है। एसडीएम दुबे के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि वे कहां से लाए हैं। वे खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने एक दिन पहले ही मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी। सूत्रों की माने तो जब पुलिस ने पूरे मामले में इतनी बड़ी रकम की बरामदगी कर ली तब पुलिस ने अतिरिक्त एसडीएम को रिपोर्ट दर्ज की थी। ऐसा हुआ तकरीबन 47-48 लाख रुपए बरामदगी, किस तरीके से बरामदगी हुई और इतनी बड़ी रकम एसडीएम के पास कैसे पहुंची और किस तरीके से बरामदगी हुई? ये जनपद फरुखाबाद में यहाँ एक एसडीएम है, उन्होंने अपने जो एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे उसके रूम से बड़े अमाउंट में पैसे चोरी होने की बात बताई थी और उसी के संदर्भ में उन्होंने 1 फरवरी को मुकदमा भी थाना फरुखाबाद में कायम करवाया था चोरी के संदर्भ में, जिसमें 47.5 लाख 50 हजार रुपये चोरी होने की बात बताई थी। इन्हीं सब जो ये सूचना मिली थी इसी पे जो है टीमें गठित की गई थी, 3 टीमें, इसमें सर्विलांस एसओजी और जो थाने की टीम थी ये लगी हुई थी और इस घटना पे काम करते हुए जो ये एसडीएम है उसके ड्राइवर उसको पकड़ा गया और उसके थ्रू जितने भी इसमें जो पैसे थे उसको ट्रेस आउट कराया गया। और मैं आपको बता दूँ इसमें 47,30,000 रुपए जो आप ये देख रहे हैं ये बरामद कर लिए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 99.9% जो पैसा ये बरामद कर लिया गया है। बाकी 20,000 रुपए के बारे में इसने बताया कि 10,000 रुपए उधार और डीजल भरवाया गाड़ी में और बाकी खाने पीने पे इसने जो है खर्च किया है, जो ये ड्राइवर इनका है आशीष जो पकड़ा गया है। और इसने ये बताया कि ये घटना इसने 19-20 जो जनवरी है उसी के बीच में इसने ये कारित कर लिया था और अलग अलग जगहों पे पैसे रखे थे जिसको टैकल करने पे इसने ये 47,30,000 रुपये बरामद किए हैं। ये बड़ी अमाउंट के बारे में जो 47,30,000 रुपये बरामद हुए हैं इसके संदर्भ में शासन को, डीजीपी ऑफिसर को और जो टैक्स है इनकम टैक्स विभाग को इनको सूचित किया जा रहा है और उचित माध्यम से इसमें आगे भी जो कार्रवाई अगर अपेक्षित है वो करवाई जाएगी। फिलहाल इसमें एक अभियुक्त को पकड़ा गया है और 47,30,000 रुपए की रिकवरी 99.99% ये करा ली गई है। सर, एसडीएम के पास इतनी बड़ी मात्रा में पैसा किस काम के लिए रखा था? ये रिकवरी और चोरी का पूरा मामला रहा है लेकिन क्यों पैसा था इनके पास? ये जो मुकदमा इन्होंने अभी लिखवाया है इसमें पैसा प्लॉट या बाकी चीजों पर लेने के लिए इन्होंने बात बताई है, बट किसी भी चीज में ना जाके किसी भी चीज पे विश्वास ना करते हुए इस पैसे को पूरा केस प्रॉपर्टी बनाया गया है। ये पैसा पूरा सीज रहेगा और इसमें जो अन्य रिक्वायरमेंट है चाहे इनकम टैक्स के थ्रू हो, विजिलेंस के थ्रू हो, डीजीपी ऑफिस या शासन से जो भी इसमें रिक्वायरमेंट या कार्रवाई रहेगी वो फर्दर इसमें करवाई जाएगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो उचित जो लाइन है उसी पे काम इसमें फर्दर इसमें होगा। कहाँ का अग्निहोत्री? ये इनका ड्राइवर है और करीब 4-5 साल से इनके साथ एज अ ड्राइवर ये चल रहा था, प्राइवेट ड्राइवर है और जनपद फरुखाबाद में भी ये एज अ ड्राइवर कार्य कर रहा था। ये हाथरस जंक्शन थाना जिला हाथरस वहाँ का ये व्यक्ति रहने वाला है। जिस अधिकारी के घर पे चोरी हुई ये यहाँ पे कुछ सितंबर तक ये कायमगंज एसडीएम के पद पर तैनात थे
और फिलहाल जो है ये भर्ती वगैरह एक्सेट्रा ये सब काम ये देख रहे थे, मिसलिनियस जो वर्क है जो देख रहे थे, और के अंतर्गत पंचाल घाट के करीब उसी गेस्ट हाउस में रह रहे थे, उसी के रूम से ये चोरी पूरी अमाउंट हुआ था जिसको कि आज रिकवर कराया गया है। फरुखाबाद से तौफिक फारूकी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ यूपी।